अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खुशबाज होंगे। मैंने यूट्यूब पर डाला था कि मैं इंस्टाग्राम से रिलेटेड वीडियोस बनाऊँ या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड रिव्यूज बनाऊँ, तो आप लोगों ने ज़्यादा वोटिंग इंस्टाग्राम से रिलेटेड वीडियोस पे किया था। सो मैं बहुत लेट हो गई गाइस, मैं आप लोग के लिए इंस्टाग्राम से रिलेटेड वीडियोज नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैं थोड़ी बिजी थी। इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ट्रेंडिंग रील्स के बारे में। इसमें 11 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज आए हैं गाइस और 1 मिलियन से भी ज़्यादा इसमें लाइक है। तो इसमें बहुत सारे रील्स बनाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है ये वीडियो। और तो गाइस ये वाला वीडियो आप यहाँ साइड में देख सकते हो। इस तरह की एडिटिंग हम कैसे करें अपने खुद के रील्स पे, अगर हम इस तरह के रील्स वीडियो बनाएंगे गाइस तो हमारे रील्स पे भी काफी अच्छे खासे व्यूज आएंगे और हमें अच्छी खासी लाइक्स मिलेंगे। इसे एडिट करना काफी सिंपल है गाइस, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहे। तो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। सो आ गए हैं गाइस हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे। सो हम VN एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे वीडियो एडिट करने के लिए गाइस। VN एप्लीकेशन जो है वो एक फ्री ऐप है गाइस, और इसमें किसी भी तरह की वाटरमार्क या लोगों की इश्यूज़ नहीं होते हैं गाइस। तो चलते हैं अपने VN ऐप पे, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं गाइस। यहाँ पे आ जाता है न्यू प्रोजेक्ट, उस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, एक वीडियोस के और एक आपको फ़ोटोज़ के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हम फोटोज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं गाइज। यहाँ पे आप अपनी खुद की भी पिक ले सकते हो गाइज, मैंने ऑलरेडी किसी का पिक सेव करके रखा हुआ है गाइज, तो मैं पिक पे क्लिक करती हूँ और यहाँ ब्लू वाला जो आइकन है उस पर मैं क्लिक करूँगी गाइज। जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हो इस टाइप की यहाँ पर आप को वीडियोस देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम चलते हैं, सॉन्ग ऐड करना है हमें गाइस, तो हम जाते हैं म्यूज़िक वाले ऑप्शन पे। तो हम जाएंगे म्यूज़िक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ आ गए हैं। तो आपको जिस वीडियो के सॉन्ग ऐड करने हैं आपको अपने वीडियोज़ पर, वो वीडियो ले लेंगे हम। तो हमें इस वाले वीडियो का सॉन्ग ऐड करना है अपने वीडियोस पे गाइस, तो हम इस वाले वीडियोस पे क्लिक करते हैं और यहाँ हम ओके पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे म्यूज़िक का ऑप्शन आ गया है, तो मैं आप लोग को म्यूज़िक प्ले करके सुनाती हूँ। तो ये म्यूज़िक था गाइस, तो मैं इसे ज़्यादा प्ले करके नहीं सुना सकती गाइस क्योंकि कॉपीराइट का कोई इश्यूज़ ना आ जाए। तो हम इस पर क्लिक करते हैं म्यूज़िक के ऑप्शन पे और हम इस जगह क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हो म्यूज़िक आ गई है और ये जो ब्लैक वीडियो आ रही है गाइस इस पर आपको क्लिक करना और यहाँ डिलीट कर देना है इसे। तो म्यूज़िक काफ़ी बड़ा है गाइस और हमारी जो वीडियोज़ है वो काफ़ी छोटी हो गई है, तो इस पिक पे क्लिक करके आपको इस म्यूज़िक के अकॉर्डिंग उसको इतना बड़ा कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हो मैं म्यूज़िक के इक्वल में इसको कर दे रही हूँ, तो आप देख सकते हो ये इसके बराबर में आ गया है। अब हम सॉन्ग को सुनते हैं गाइस, उसके बाद हम इसमें इफ़ेक्ट डालेंगे। यहाँ से हमें इफ़ेक्ट लगाना है गाइस, तो यहाँ पे हमें कट करना है, हमने कट कर दिया स्केची वाले ऑप्शन से। उसके बाद हमें यहाँ पर दो जगह और कट लगाना है गाइस, फर्स्ट, क्योंकि हमें इफ़ेक्ट लगाने में कोई दिक्कत ना आए। तो आप देख सकते हो यहाँ प्लस वाला आइकन है, यहाँ पे हमें इसे रखना है और हमें FX पे क्लिक करना है गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हो FX पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें कौन सा इफ़ेक्ट लेना है, हमें वाइट इफ़ेक्ट लेना है और हमें इस पर क्लिक करना है। देन हमें दूसरे वाले हिस्से पर जाना है, यहाँ पर भी हमें FX पे क्लिक करना है, हमें इस वाइट वाले पर क्लिक करना है और इसे अच्छे से लगा देना है। और थर्ड हमें इस FX वाले ऑप्शन पे जाना है, FX पे जाना और ये वाइट वाला लेना है और आप इसे अच्छे से सेट कर दो गाइस। और इसे ये देख सकते हो, आप देख सकते हो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया। अब हमें फोर्थ ऑप्शन पे जाना है और FX पे क्लिक करना है गाइस, और इसके लिए हमें स्लाइड राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसे हमें अच्छे से लगा देना है। ओके, अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा वीडियो रेडी हो गया है गाइस, तो हमें यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और इसे सेव कर लेना है। ये हमारी गैलरी पे सेव हो गई है गाइस, तो अब मैं आपको इसे गैलरी पे दिखाती हूँ।
तो आप देख सकते हो गाइज, ये मेरे गैलरी पे सेव हो चुका है। मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो गाइज, कितना सिंपल था ये रील्स वीडियो एडिट करना। इसी तरह आपने पिक्स पे काफ़ी अच्छे अच्छे इफेक्ट्स लगा के आपने रील्स वीडियो को क्रिएट कर सकते हो गाइज, और ऐसी रील्स वीडियो आप बना के काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ को गेन कर सकते हो गाइज। सो अगर आपको मेरी ये रिव्यू वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल और हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।